हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा के बाद में हमें चौकी का विसर्जन कैसे करना है, चढ़ाई हुई सामग्रियों का हमें क्या क्या करना है, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आइए जानते हैं हमें क्या करना है। तो हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में थोड़ी सी चौकी को हिला देंगे ताकि उनसे प्रार्थना करें कि आप अपने प्रस्थान करें अपने गमन को। उसके बाद में जो हमने ये जल का लोटा भोग लगाया था इसको आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। तो लोटे को धुल करके वापस पूजा में रख लेंगे और जो भोग प्रसाद रखा है, जब हमारा दीपक शांत हो जाता है उसके कुछ देर बाद ही हमें ये भोग प्रसाद हटा लेना होता है। ज्यादा देर तक हमें प्रसाद भगवान के पास नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो ये प्रसाद है ये आप परिवार में बांट दीजिएगा और स्वयं भी ग्रहण करना है, लेकिन आपने ग्रहण तब करना है द्वादशी के दिन। तो आप अपने लिए भोग प्रसाद कुछ बचा कर रख लें, जब आप व्रत का पारण करेंगे तो इसी प्रसाद को खा करके व्रत का पारण करेंगे। जो हमने दूध का भोग लगाया था इसका हमें क्या करना है, आप जब चाय बनाएंगे तब चाय में आप इस दूध का प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, ये चाय आदि में डाल करके भी पी सकते हैं। तो ये दूध हम वापिस रख लेंगे, इसका विसर्जन नहीं करना था क्योंकि प्रसाद है ये। उसके बाद में देखिए जो हमने यहाँ पर दक्षिणा रखी है इसका क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। आप चाहे तो छोटी जो कन्याएं होती हैं आप उसको दे सकते हैं दान में, और ये जो सुहागन की सामग्री है, सुहाग सामग्री है, इसमें भी आप दक्षिणा रख करके आप दो चार सामग्री आप अपने हाथ में पहन सकते हैं, चूड़ी लगा सकते हैं, नेल पेंट लगा सकते हैं, सुहाग ले सकते हैं माता से। बाकी जो सामग्री है ये आप दान कर दीजिएगा। दान करने से तो हमारे सुहाग में यानी बढ़ोतरी होती है। और देखिए आप करते हैं क्या, देखिए मैं इस सराय में हमेशा कपूर से आरती करती हूँ तो मैं इसका विसर्जन नहीं कर रही हूँ। यदि आपके पास किसी धातु का है तो आप उसको भी धुल करके पूजा में यूज कर लीजिएगा। तो जितनी भी मैंने धूप दीप की कटोरियाँ रखी हैं, दीपक रखा है, इसकी बाती निकाल देंगे और वापिस से हम यहाँ पर रख लेंगे। यदि आपने मिट्टी के दीपक जलाए हैं तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। और जो ये अलग से जल का लोटा है ये आप तुलसी के गमले को छोड़ करके अन्य किसी पौधे में जल डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हमने गणपति जी को भोग लगाया था। और जो ये कलश पर दीपक है इसकी भी हम जो बाती लगाए हैं कलावा की वो निकाल लेंगे और ये हम धुल करके वापिस पूजा में रख लेंगे। भक्तों, मेरे पास कमेंट हमेशा आता है कि दीदी हमें पूजा करने के बाद जो सामग्री चढ़ाई है उसका हमें क्या करना होता है, विसर्जन कैसे करना होता है, वही मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो देखिए जो हमने तुलसी के जो मंजरी सहित भगवान को अर्पित की थी आप इसे विसर्जन ना करिए, ये जो है प्रसाद के रूप में हो गया है क्योंकि भगवान के चरणों में रखा हुआ था। आप इसे चाय में डाल करके पी सकते हैं या फिर आप ऐसे ही चीनी और मिश्री के साथ खा सकते हैं। उसके बाद में जितने भी हमने फूल पत्तियां चढ़ाई थी इसको हम अलग से थाली में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसे जल विसर्जन या भूमि विसर्जन करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने घर में ही इसका विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपके घर में कच्ची भूमि है तो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, नहीं तो यदि आपके पास गमला है, गमला तो एक आध हर किसी के घर में मिल जाता है, आप उस गमले में भी दबा दीजिएगा डाल करके। तो ये ना खाद का काम करता है, ऑर्गेनिक खाद होती है और इससे जो हमारे पौधे अगर हम लगाते हैं तो उसमें अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से हमें फूल पत्तियों का विसर्जन करना होता है। ये जनेऊ है, यदि आपके घर में कोई भी पुरुष इस जनेऊ को पहनता है तो आप उसे पहनने के लिए दे दें, नहीं तो आप जिसे ये सुहाग की सामग्री दान करेंगे मंदिर में या किसी जरूरतमंद को तो ये जनेऊ भी आप उसे दान कर सकते हैं ताकि वो ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से हमें देना होता है जनेऊ। और जो ये गौ माता है इसे आप साफ करके यानी जल का छींटा लगा करके पोंछ करके आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। गणपति जी हैं, यदि आपने हल्दी के या सुपारी के बनाए हैं, मिट्टी के बनाए हैं तो उनका विसर्जन कर दीजिएगा। और जो ये गणपति जी हैं धातु के हैं तो आप जल का छींटा लगा करके वापस मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा, हमें विसर्जन नहीं करना होता है। सुपारी हल्दी का कर सकते हैं।
अब हमारे लड्डू बाबू का देख लीजिए, ये तो अच्छे से सजे हुए हैं और इनका जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हम इन्हें उठा करके हाथ आराम से और वापस अपने इनके मंदिर में सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। तो ये लड्डू बाबू बहुत ही खुश होते हैं जब हम इनकी पूजा करते हैं, और देखिए कितने प्रसन्न हैं। और देखिए भक्तों, इसके बाद में जो हमारा ये कलावा है जो हमने माता को अर्पित किए थे, ये कलावा आप अपने घर में किसी को भी हाथ में इस तरह से बांध दीजिएगा। ये रक्षा सूत्र है क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद होता है, तो आप बांध दीजिएगा। बाकी जो हमने तस्वीर फोटो आदि रखी है, इन पे हम जल का छींटा लगा करके पोंछ करके वापिस अब अपने मंदिर में रख लेंगे। यदि आप मंदिर में नहीं रखते हैं तो लाल कपड़े में बांध करके सुरक्षित स्थान पर रख दीजिएगा, ताकि जब आप आगे पूजा करें एकादशी का या कोई भी पूजन करें तो आप उसमें इस तस्वीर आदि को दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। आप देखिए हमने कलश को थोड़ा सा हिला दिया था, उसके बाद में जो ये कलश में पंच पल्लव है इन्हें निकाल करके हम वापस से जिसने हम विसर्जन करने वाली सामग्री रखी है उसमें हम इस प्रकार से रख देंगे। तो देखिए जो भी हमने सामग्री मैं बता रही हूँ उसका क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिटेल में मैं बता ही रही हूँ। तो इस तरह से देखिए जो कलश का जल है इसमें पुष्प की सहायता से पूरे घर में छींटा लगाना है, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद होता है, सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, बस टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर इसका छींटा लगाना है। जल बच जाता है तो अन्य पौधे में डाल दीजिएगा, और जो मिट्टी का या किसी धातु का कलश है तो आप धुल करके वापस रख लीजिएगा। मिट्टी का कलश स्थापित किया था तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं, तो मैं ये रख लूंगी। और जो फूल पत्तियां हैं इनको भी अलग से वापस से थाली में इकट्ठा कर लेंगे। इसका हमें भूमि विसर्जन जल विसर्जन करना होता है। जो तिल होते हैं, तिल आप पक्षियों को खिला दीजिएगा या फिर गाय माता आपके आसपास हो तो गौ माता को भी खिला सकते हैं। तो इसी तरह से हमें हर एकादशी की चौकी विसर्जन इसी प्रकार से करना होता है। आई होप आपको यह छोटा सा वीडियो चौकी विसर्जन का संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी आपके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिले और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएं। और देखिए भक्तों, इस तरह से हमें ये फूल हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इसे हम अलग से भूमि विसर्जन जल विसर्जन कर देंगे, जहां पर हम अन्य फूल जो है पत्तियां उनका विसर्जन करेंगे। जो ये तिल थे, तिल मैंने आपको बताए हैं कि आप पक्षियों को खिला सकते हैं, गाय माता को खिला सकते हैं, यदि कोई भी नहीं मिलता है तब आप मछलियों को भी खिला सकते हैं। तो ये मैंने थोड़े ही तिल रखे थे, और अगर आप ज्यादा रखे तो आप उसका दान कर सकते हैं। आसन को धुल करके पूजा में यूज कर लीजिएगा, चौकी का छींटा लगा करके दोबारा से पूजा में यूज कर लीजिएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए जो है आपको पसंद आई है, इसी तरह से हमें विसर्जन करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।